सो इस वीडियो के माध्यम से एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स एडीएमई की प्रोसेस में ये आखिरी स्टेज होती है ड्रग की जर्नी की। आफ्टर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड डिस्ट्रीब्यूट एंड मेटाबोलाइज के बाद बात आती है एक्सक्रीशन की। जितना इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, थेरापेटिक एक्टिविटी, बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन जरूरी है, उतना ही जरूरी ड्रग का एक्सक्रीशन है। क्योंकि अगर ड्रग प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं होगी तो देयर विल बी सीवियर मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग टॉक्सिसिटी। और एक्सक्रीशन एक प्राकृतिक नेचुरल प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में होती है, लेकिन अगर एक्सक्रीशन प्रॉपरली ना हो तब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं सामने जो जिनको कि बायोफार्मास्यूटिकल्स की ब्रांच अकाउंट करती है। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे एक्सक्रीशन का। ड्रग का एक्सक्रीशन वी कैन से एलिमिनेशन और टर्मिनेशन बेसिकली दो प्रोसेस से होता है। द फर्स्ट वन इज द मेटाबॉलिज्म, ये भी एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। क्योंकि ड्रग अपना काम करती है साइट ऑफ एक्शन पर, वहां से इसके बाद जो भी हमारे शरीर को उससे जरूरी काम था वो अब हो चुका और शरीर से अब उसके निकास यानी कि जाने का वक्त हो गया है। और निकास भी ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए भी उसको प्रोसेस करना पड़ता है जो कि लीवर में होता है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर हमें ड्रग को खाना है तो हम डायरेक्टली ड्रग के पाउडर को नहीं खा सकते, उसे खाने योग्य बनाना पड़ता है। योग्य इन द सेंस कि उसको डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन उस डोजेज फॉर्म के रूप में ही उसे ग्रहण किया जा सकता है। इसी तरह से अगर एक्सक्रीट होना है तो डायरेक्टली एक्सक्रीशन नहीं हो सकता, बाय किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या फिर एनस इन द फॉर्म ऑफ फीकल, इसके थ्रू ही वो हो सकती है जिसका मेन प्रोसेस लीवर में होता है। देन मेजॉरिटी और वी कैन से द मेजर साइट ऑफ एक्सक्रीशन है शरीर में किडनी। 90% ऑफ द ड्रग्स किडनी से ही एक्सक्रीट होती हैं। इसके अलावा और भी ड्रग की प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो कुछ और साइट हैं जैसे गट है, स्किन, लंग, स्वेट ग्लैंड, ब्रेस्ट, सलाइवरी ग्लैंड, इनसे भी एक्सक्रीशन होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, जैसे कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल जो ड्रग्स होती है नेचर की, वो लंग्स के थ्रू होती है हमारे श्वास के जरिए। और सलाइवरी ग्लैंड की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी एंटीबायोटिक कुछ खाने के बाद आपको मुंह में कड़वा स्वाद आता है, दैट इज एक्चुअली द सलाइवरी एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स। जिस तरीके से किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी दो चीजों पर निर्भर करती है कि उसका एब्जॉर्प्शन कितना फास्ट है, सेकेंडली उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना प्रॉपर है। इसी तरह से ड्यूरेशन इंटेंसिटी डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर, टिश्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन और रेट ऑफ एलिमिनेशन। देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन को यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया है कि हमारा शरीर एकदम एक आटे की गेहूं की चक्की की तरह है। एक बार आप उसने ऊपर से हॉपर में गेहूं डाल दिया तो वो पिस करके आटे के रूप में नीचे अपने आप टाइमिंग से आ जाएगा जितनी चक्की की क्षमता है। इसी प्रकार प्रकृति के हिसाब से हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि जो भी हम उसमें अपने डालेंगे खाद्य सामग्री, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या दवाएं हो, वो एक टाइम के बाद नेचुरली बॉडी उसको निकाल देगी। तो अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन स्लो है तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा तेज है तो भी दिक्कत है। इसलिए इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है कि एलिमिनेशन की गति क्या है शरीर में। एलिमिनेशन की वी कैन से एक्सक्रीशन की महत्वता क्या है, सबसे पहली एक बात कि एक्सक्रीशन एक्चुअली यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्शनल है, एब्जॉर्प्शन बाय डायरेक्शनल है, मतलब कि रक्त के जरिए ड्रग सेल्स में जाती है और वापस आती है, दैट इज बाय डायरेक्शनल। लेकिन लीवर में एक बार जाने के बाद मेटाबोलाइज हो गई, किडनी में जाने के एक बार फिल्टर हो गई तो उसकी सीधे एग्जिट ही होगा शरीर से। तो इसका मतलब ये है, इसको हमने इसलिए काउंट किया है कि वंस एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म शुरू हो गया और थेरापेटिक एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं हो पाई तो ड्रग अपना काम नहीं कर पाएगी। कुछ कंडीशंस हैं, प्री टाइमिंग्स, फर्स्ट पास इफेक्ट के बारे में आप जानते होंगे। शरीर जनरली कुछ ऐसी ड्रग्स हैं या कुछ ऐसी खाद्य सामग्री है जिनको बहुत तेजी से पचा देता है, मतलब जितना पर्याप्त उन्हें शरीर में बिताना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता, ठीक नहीं है। सेकेंडली अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा जैसा मैंने कभी बताया तो क्रिटिकल मेडिकल कंडीशंस आएंगी, क्योंकि जो ड्रग है वो आयनाइज फॉर्म में आ चुकी है और ये तो आप सभी जानते हैं कि आयनाइज फॉर्म ऑफ द ड्रग टॉक्सिसिटी इश्यूज कर सकता है। दिस इज द
स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्रीशन, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में या फिर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, तो आपको यही लिखना है, दैट इज द प्रोसेस वेयर बाय द ड्रग्स मेटाबोलाइट्स आर इररिवर्सिबली ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वैसे तो एक्सक्रीशन के प्रकार शरीर में बहुत सारे हैं। हमारा शरीर कुदरत के द्वारा ऐसा बना हुआ है कि एक्सक्रीशन यानी कि ड्रग्स को वो और जो भी चीज़ें हम हमारे शरीर में जाते हैं उसको बहुत तरीके से निकाल सकता है, लेकिन दो मुख्य विभाजन है, रीनल यानी कि किडनी के द्वारा और नॉन रीनल। और नॉन रीनल में आते हैं टोटल 5, लंग्स, बिलियरी, सलाइवी एंड स्वेट ग्लैंड्स। 90% ऑफ द ड्रग्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 90% ऑफ द ड्रग्स रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू ही होती हैं। इसीलिए एक्सक्रीशन के इस संकाय में हम रीनल एक्सक्रीशन को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये एक तकनीकी इलस्ट्रेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ड्रग रीनल और नॉन रीनल, जिसमें कि बिलीरी यानी कि स्टूल यानी कि फीकल के माध्यम से किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से शरीर के बाहर निकलती है। इसमें दो रासायनिक क्रियाएं, ऑक्सीडेशन जो कि साइटोक्रोम P450 नामक रसायन के थ्रू हमारे शरीर में होता है, ये जिम्मेदार होता है उसको मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करने का। पोलर स्वभाव की होती है इसलिए वो सीधे रीनल एक्सक्रीशन फॉलो करती है। इसके बाद कॉन्जुगेशन ग्लूकोरोनाइडेशन स्टेबिलाइजर्स को बनाता है जो कि नॉन पोलर नेचर के होंगे, तो वो सीधे बिलीरी एक्सक्रीशन स्टूल के द्वारा निकलेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्रश्न आता है कि रीनल एलिमिनेशन यानी कि यूरिन में किस एंजाइम या किस रसायन का सबसे अहम रोल है, तो उत्तर है साइटोक्रोम P450। और बिलीरी एक्सक्रीशन यानी कि स्टूल के लिए ग्लूकोरोनाइडेशन महत्वपूर्ण है। सो ये था एक इंट्रोडक्टरी रिव्यू ऑन एक्सक्रीशन इंट्रोडक्शन का। फटाफट इसको अगर मैं समअप करूँ एक नटशेल में, तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु ये हैं कि एक्सक्रीशन के टोटल 6 प्रकार हैं, जिसमें से सबसे मुख्य है रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन के लिए साइटोक्रोम P450 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। एक्सक्रीशन ड्रग्स का सही टाइमिंग से होना जरूरी है। और आखिरी बात कि एक्सक्रीशन अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो सीवियर टॉक्सिसिटी शरीर में होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो।